इस मूवी की शुरुआत डेव लॉकवुड से होती है, जो शादीशुदा होता है और उसके 3 बच्चे होते हैं। डेव और उसकी बीवी जैमी ने बच्चों को संभालने का दिन बांटा होता है और इसलिए आज डेव का दिन होता है। वहीं आधी रात में जब वो सो रहा होता है तो उसके बच्चे रोने लगते हैं और वो उठकर उनका डायपर चेंज करता है तो बच्चे कभी कुछ गिरा देते हैं या कुछ बदमाशी करने लगते हैं। इस वजह से उसकी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो गई होती है और इसलिए ना वो खुद की लाइफ ढंग से जी पाता है, ना दोस्तों को समय दे पाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड मिच प्लैंको होता है, जो सिंगल होता है और ठरके किस्म का लड़का होता है। जब अगले सुबह डेव ऑफिस जाता है तो उसे मिच का कॉल आता है और वो दोनों मिलने का बोलते हैं और इसके लिए डेव भी मान जाता है। कॉल कटने के बाद मिच के डैड उसे अपनी शादी के लिए इनवाइट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं, जो अपने बच्चों को नहला रहा होता है और उसके घर मिच उसे पिक करने आ जाता है, जिसके बाद दोनों क्लब जाते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं, जहाँ डेव मिच से कहता है कि वो अपनी लाइफ से परेशान है और उसे लगता है कि उसने शादी जल्दी कर ली है। वहीं मिच डेव से कहता है कि मुझे हर दिन नई लड़की चाहिए होती है और उसे लड़कियों की फोटो दिखाता है, जिस पर डेव को उसकी कली की याद आ जाती है। लेकिन वो मैरिड होता है इसलिए उसके हाथ बंधे होते हैं और वो उसे कहता है कि तुम जो चाहो वो कर पाते हो और इसलिए उसे मिच की लाइफ चाहिए होती है। लेकिन मिच को डेव की लाइफ अच्छी लगती है क्योंकि घर पर कोई उसका इंतजार करने के लिए होता है और आसपास ऐसे लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं। पर डेव तभी उसे कहता है कि मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं भूल गया हूँ कि मैं रास्ते में खड़े होकर सुसु भी किया करता था, जिसके बाद मिच उसे फाउंटेन के पास लेकर जाता है, जहाँ दोनों अपनी याद ताज़ा करते हैं और उसमें यूरिनेट करके साथ में कहते हैं कि काश उन दोनों की लाइफ एक्सचेंज हो जाए। और तभी उस जगह की पूरी लाइट ऑफ हो जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी फाउंटेन पर लगी वो स्टैचू मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद अगले सुबह जब डेव की नींद खुलती है तो वो अपने सामने जैमी को देखता है, जो बच्चों को फीड करवा रही होती है और उसे कहता है कि बंद करो ये सब। और उसके बाद वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो गई है, जिसके बाद डेव मिच के घर यानी अपने घर जाता है और मिच उसे देख शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसकी बॉडी होती है और दोनों सोचने लगते हैं कि ये हुआ कैसे। और तब डेव को याद आता है कि उन दोनों ने फाउंटेन के सामने विश मांगी थी और दोनों उस फाउंटेन वाली जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और फाउंटेन को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। दोनों उस फाउंटेन के बारे में पूछताछ करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। वो लोग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास पहुंचते हैं लेकिन वहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और दोनों काफी परेशान होते हैं क्योंकि डेव की आज सबसे बड़ी डील की मीटिंग होने वाली होती है और मिच की फेम शूट का आज फर्स्ट डे है, जिस पर डेव यानी मिच बोलता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा क्योंकि वो एक एक्टर है। और मिच कहता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग होती है, जिस पर मिच उसे पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है और इसलिए डेव भी उसके लिए मान जाता है और दोनों एक दूसरे के काम को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। और जब मिच डेव के ऑफिस पहुंचता है तो वो अजीब सी हरकतें करने लगता है क्योंकि सोल उसकी मिच की होती है और वो खाने को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सभी को अपने पॉकेट में भरने लगता है। तभी उसकी कलीग सबरीना वहाँ आ जाती है और मिच को उसे देखकर डेव की बातें याद आती हैं और वो पहचान जाता है कि ये वही है जिसे डेव पसंद करता है, जिसके बाद वो मीटिंग में पहुंचता है और वहाँ पर भी अजीब से हरकतें करता है जिससे सब परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद उससे डील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं बता पाता है, जिससे सब गुस्सा हो जाते हैं और उसे कोर्ट तक ले जाने की धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर डेव का बॉस भी मिच पर काफी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ डेव मिच की शूट के लिए पहुंचता है और मिच बनने के लिए ओवर एक्टिंग करने लगता है और जब वो शूट स्टार्ट होती है तब उसे पता चलता है कि वो बोल्ड फिल्म है और उसे दो लोगों के साथ लाइट पोर्नोग्राफी एक्ट करना था। शूट के दौरान उसे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लेकिन वो किसी तरह शूट को कम्प्लीट करता है। उधर मिच डेव की बेटी सारा को स्कूल पहुंचाता है, जहां दूसरी लड़की जानबूझकर डांस के दौरान गिरा देती है और मिच उसे कहता है कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो तुम उसे जरूर जवाब देना, जिसके बाद दोनों रात में फिर से मिलते हैं और दोनों बताते हैं कि उनका दिन कितना डिफिकल्ट रहा। और उसके बाद डेव अपनी वाइफ को सब बताने का सोचता है और जब दोनों डेव के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बेटी सारा भी उसे नहीं पहचान रही है, लेकिन तभी वो जैमी को सारा सच बता देता है लेकिन वो उसकी बात पे भरोसा नहीं करती है, जिसके बाद डेव उसे ऐसी बात बताता है जो सिर्फ हस्बैंड को ही पता होती है। लेकिन इसके बाद भी जैमी को भरोसा नहीं होता है और वो मिच पर ही गुस्साती है कि डेव को उसकी ये बात उसने कैसे बता दी और वो डेव को भी सीक्रेट बता देती है और उन दोनों को मारने लगती है, जिसके बाद वो दोनों फाउंटेन मिलने तक एक दूसरे की लाइफ को जीने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और वही रात को जैमी को मिच यानी डेव की हरकतों को देखकर गुस्सा आता है और दूसरी तरफ मिच की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और वो उसके क्लोज होने लगती है, लेकिन जब
जब वो देखता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो डर जाता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिच को लग रहा होता है कि जैमी आज मूड में है, लेकिन उसका पेट खराब होता है। और रात में जब बच्चे रो रहे होते हैं तो जैमी मिच को संभालने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं संभाल पाता है और डेव को कॉल करता है और कहता है कि वो अब ये कुछ नहीं कर पा रहा है और जितना जल्दी हो उन्हें फाउंटेन ढूंढना होगा। अगले दिन डेव जैमी के पास पहुंचता है तो वो उसे बताती है कि मिच बहुत अलग हरकत कर रहा है और इसलिए डेव मिच को समझाने जाता है कि उसे उसकी फैमिली में कैसे रहना चाहिए। जिसके बाद दोनों डेव के ऑफिस जाते हैं और वहाँ मिच डेव को सैब्रीना के साथ डेट पर भेजता है। तभी मिच को उसके फादर का कॉल आता है और वो अपने फादर से मिलने पहुंचता है, लेकिन उसके फादर उसे डेव समझते हैं और उसे बताते हैं कि वो शादी करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा उस शादी में आए। और तब मिच को फील होता है कि वो कितना अकेला है और इसलिए वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर और हस्बैंड बनने की कोशिश में लग जाता है। वहीं एक दिन मिच कारा के स्कूल उसका डांस सीखने के लिए जाता है, जहां वो लड़की उसे फिर से तंग करती है और इस बार कारा भी उसे उठा के पटक देती है और मिच को ये देखकर काफी खुशी होती है। दूसरी तरफ डेव भी अब मिच की लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है और सैब्रीना के साथ भी डेट पर जाता है और दोनों काफी एंजॉय करते हैं। वहीं डेव और जैमी की एनिवर्सरी आने वाली होती है, इसलिए मिच और जैमी दोनों पार्टी प्लान करते हैं, लेकिन वो डेव यानी मिच को इनवाइट करने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। और ये सुन मिच उदास हो जाता है क्योंकि डेव खुद की एनिवर्सरी पार्टी में नहीं आ पाएगा। और अगले दिन मिच डेव को आकर के बताता है कि वो फाउंटेन मिल गया है, लेकिन मिच कहता है कि उसके मीटिंग के लिए काफी तैयारी की है और उसे किसी भी हाल में ये मीटिंग लेनी है। और वहीं डेव को भी सैब्रीना के साथ समय बिताना होता है, इसलिए दोनों एक वीक के बाद फिर से एक्सचेंज करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद मिच मीटिंग में अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा करके डील डन करता है और उसके बॉस काफी खुश होते हैं और उसे प्रमोशन दे देता है और पार्टी भी देता है, लेकिन मिच को अच्छा फील नहीं होता है। दूसरी तरफ डेव सैब्रीना के साथ होता है और जब वो उसके क्लोज आती है तो डेव को फील होता है कि वो अपनी फैमिली को चीट कर रहा है। और जब उसे अपनी पार्टी का पता चलता है तो वो सैब्रीना को छोड़ करके ऑफिस पार्टी से मिच को लेकर के फाउंटेन के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ काफी भीड़ होती है, पर उसके बावजूद भी वो लोग उस फाउंटेन में यूरिनेट करते हैं। तभी वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें देखकर पकड़ने पहुंचती है, लेकिन वो लोग भाग जाते हैं। और अगली सुबह जब वो लोग सो करके उठते हैं तो दोनों वापस से नॉर्मल हो गए होते हैं और दोनों को अपनी बॉडी मिल गई होती है। जिसके बाद मिच अपने फादर की शादी में पहुंचता है और डेव भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।